मैस स्पेक्ट्रोमेट्री हमारा आज का टॉपिक है जो हम स्टडी करने जा रहे हैं। लास्ट टाइम हम लोगों ने जो स्टडी किया था वो बेसिक कॉन्सेप्ट था अबाउट आइसोटोप्स, उसको मैं अगेन रिपीट करने जा रहा हूँ। आइसोटोप एलिमेंट्स, एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट विद नंबर वन डिफरेंट एटॉमिक मास एंड सेम एटॉमिक नंबर। इस पे हमने काफी लंबी बहस की थी और डिफरेंट चीजें हमने साबित की थी, जैसे कि उनको मैं समराइज कर रहा हूं कि एक ही एलिमेंट के एटम्स का मास आपस में डिफरेंट हो सकता है और उसकी वजह क्या थी कि उसके अंदर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स जो होते हैं वो वेरी करते हैं। ठीक है, न्यूट्रॉन्स की वेरिएशन की वजह से उसका मास जो है वो चेंज होता है, जबकि प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स उस केस में सेम रहते हैं। तो ये हमने सारी स्टोरी इस बारे में जानी थी कि आइसोटोप्स होते क्या हैं और ये कैसे फॉर्म में आते हैं। अब हमने ये देखना है कि मास स्पेक्ट्रोमेट्री क्या है। ये बेसिकली एक टेक्निक है। हमने अपने लास्ट लेक्चर के एंड पे एक चीज पढ़ी थी जिसका नाम था रिलेटिव अबंडेंस, कि कोई भी चीज जो है वो कितनी अबंडेंट है। मास स्पेक्ट्रोमेट्री हमें ये बताएगी, साथ में हमें ये बताएगी कि जितने भी आइसोटोप्स हैं उनका मास क्या है। हम मास उनका कैलकुलेट करते हैं इस टेक्निक के थ्रू। ये टेक्निक एक प्रोसेस होता है, एक मेथड होता है, जो कि एक मास स्पेक्ट्रोमीटर में हम प्रोसेस में एक गैस को या एक एलिमेंट को गुजारते हैं और हमें सारे आइसोटोप्स की रिक्वायर्ड मास जो है वो हमें पता लग जाता है। मास स्पेक्ट्रोमीटर जो है वो एक इंस्ट्रूमेंट होता है जो कि सारे प्रोसीजर को कैरी करता है और एंड पे हमें रिजल्ट देता है जिसमें हमें डिफरेंट आइसोटोप्स का किसी एलिमेंट के मास का पता लग जाता है। तो ये एग्जैक्ट मैसेज फाइंड आउट करने के लिए वन ऑफ द मोस्ट ऑथेंटिक मेथड है जो आपके बुक में भी शामिल किया गया। इसको हम देखते हैं कि इसके अंदर हम सबसे पहले करते क्या है। तो लेट मी ड्रॉ इट्स डायग्राम फर्स्ट। जी ये मैंने एक मास स्पेक्ट्रोमीटर ड्रॉ किया है। इसके अंदर होता क्या है, सबसे पहले आप अपना सैंपल लेते हैं। जो भी सैंपल है आप उसको वेपर फेज में लेके आएंगे। हमें पता है कि जो मैटर होता है उसकी तीन स्टेट्स होती हैं, वो सॉलिड हो सकता है या वो लिक्विड है या वो गैस है। तो हमें अगर वो किसी भी स्टेट में है हमें उसे पहले गैस की शक्ल में लाना है, उसके वेपर्स जो होते हैं वो हमने तैयार करने हैं। उसके बाद जब ये गैस से फेज में आ जाएगा, सबसे पहला प्रोसेस है इसका वेपराइजेशन, नंबर वन वेपराइजेशन। आपने जब भी मास स्पेक्ट्रोमीटर को फीड देनी है, मतलब उसको इनपुट देनी है अपने सैंपल की जिसके आइसोटोप्स का मास हम लोग फाइंड करने जा रहे हैं, हम उसको सबसे पहले वेपराइज करेंगे। वेपराइजेशन के बाद जो अगला इंपॉर्टेंट पार्ट आता है दैट इज आयनाइजेशन। इसमें आप क्या करते हैं, वेपर्स बनाने के बाद उनके एटम्स को या मॉलिक्यूल्स को हम आयन्स की शक्ल में लेके आते हैं, हम उनकी आयनाइजेशन करते हैं। आयन्स की सारी स्टोरी हम जान के आए हुए हैं कि किसी भी एटम के अंदर अगर हम इलेक्ट्रॉन को एड करें या इलेक्ट्रॉन को रिमूव करें तो आयन बनेगा। सही है, तो अब हम एक एटम है, फॉर एग्जांपल ये एक एटम था
जिसका इलेक्ट्रॉन मौजूद है, मैं चाहता हूं कि मैं इसका इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दूं, तो मैं इसके एटम में मौजूद इलेक्ट्रॉन को किसी चीज से हिट करूंगा ताकि ये इसमें से नॉकआउट होकर बाहर चला जाए। अब इलेक्ट्रॉन का एक स्पेसिफिक साइज है, तो मुझे इसको कोई ऐसी चीज से ही हिट करवाना पड़ेगा जो कि इसके साइज की हो, इसलिए मैं क्या करता हूँ, एक इलेक्ट्रॉन की बीम लेके अपने वेपराइज्ड सैंपल के ऊपर ये इलेक्ट्रॉन की बीम लेके उसकी फायरिंग करता हूँ। ये जब इलेक्ट्रॉन एक खास स्पीड के साथ जाके टकराएगा, इसके अंदर से गुजरेगा, तो क्या करेगा, जब भी ये किसी एटम के अंदर ऑलरेडी मौजूद इलेक्ट्रॉन के साथ टकराएगा तो ये इसको बाहर निकाल देगा, इसको नॉकआउट कर देगा। जब इलेक्ट्रॉन इसमें से निकल जाएगा तो इस पूरे के ऊपर हमने पढ़ा हुआ है इलेक्ट्रॉन के रिमूव होने से पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, तो पॉजिटिव चार्ज आपके एटम के ऊपर आ जाएगा। इस तरीके से हम उस अपने वेपराइज्ड सैंपल की आयनाइजेशन करते हैं। आयनाइजेशन में हम क्या करते हैं, एक हाई एनर्जी बीम, हाई एनर्जी बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की हम फेंकते हैं, फायर करते हैं, और क्या होता है कि एटम्स जो उनसे गैस की शक्ल में आगे हुए थे, वेपर्स के एटम्स, उनमें से इलेक्ट्रॉन के साथ वो टकराता है, बाहर से आने वाली बीम उसके टकराएगी और उसको नॉकआउट कर देगी, और आपके पास ये पॉजिटिव चार्ज जो है पार्टिकल बन जाएगा, आपके पास आयंस बन जाएंगे। ये जो है हमारी, ये वाला जो क्वेश्चन है, इसमें आप देख सकते हैं कि ये एक पार्ट ऑफ द मशीन है जिसमें से ये बीम्स जो होती हैं वो निकल रही हैं, दिस बीम आर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ये आपके इसमें मौजूद सैंपल को, वेपराइज्ड सैंपल को, इसके अंदर जो मौजूद है वो वेपराइज्ड सैंपल है, ये क्या करेगा, इसको आयनाइज कर देगा। ठीक है जी, ये दूसरा स्टेप था आयनाइजेशन का। आयनाइजेशन के बाद जो थर्ड स्टेप है वो है एक्सेलरेशन। अब आपने सैंपल लिया अपना, उसको वेपराइज करके मैस स्पेक्ट्रोमीटर में डाल दिया, उस पर इलेक्ट्रॉन की बीम्स को फायर किया, जिसके नतीजे में वो अब आयंस में कन्वर्ट हो गया हुआ है। अब यहाँ पे सवाल ये पैदा होता है कि हमने इनको आयन क्यों बनाया है, हम डायरेक्ट मैं उनको एटम्स को क्यों नहीं इस्तेमाल कर लिया। अब सपोज हमारे पास हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के तीन आइसोटोप्स होंगे, H11, H12 और H13, इनके अगर मैं सबके इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव कर दूं और इनके आयंस बना दूं, तो बेसिकली जो मैस स्पेक्ट्रोमीटरी का वर्किंग प्रिंसिपल है वो M ओवर E है, मैस टू चार्ज रेशियो, ये मैस है और E का मतलब होता है चार्ज। मैस टू चार्ज रेशियो की बेसिस पे ये आयंस को सेपरेट करेगा, इसलिए हमारी बेसिक रिक्वायरमेंट है कि हम आयन बनाएं ताकि मैस टू चार्ज रेशियो डिफरेंट होगी। सपोज मेरे पास ये हाइड्रोजन 11, हाइड्रोजन 12, हाइड्रोजन 13 है, इन तीनों के डिफरेंट मैसेज हैं, इसका मैस कुछ और है, इसका मैस कुछ और है, इसका मैस कुछ और है, लेकिन इन सब पॉजिटिव वन आयन है, तो इन सबके ऊपर चार्ज जो है वो सेम होगा, तो एम ओवर ई जो रेशियो है, क्वांटिटी, ये दोनों की, तीनों की क्या होगी, डिफरेंट होगी। तो मैं इसीलिए इनको हम लोग आयन बनाते हैं ताकि ये एम ओवर ई की बेसिस पे मैस स्पेक्ट्रोमेट्री काम करती। तो आपने आयन बनाने के बाद अब उनको क्या करना है, एक्सेलरेशन, इसमें हम क्या करते हैं, इसमें जो हमने अपने आयन बना दिए हुए हैं आयंस को हम एक्सेलरेट करते हैं, उनको स्पीड से हमने मूव करवाना होता है, इसको कहते हैं एक्सेलरेशन। जैसे आप गाड़ी को, गाड़ी के रेस के पैडल को एक्सेलरेट, उसको एक्सेलरेटर हम कहते हैं, उसको इसीलिए कहते हैं कि जब आप उसको प्रेस करते हैं तो आपकी गाड़ी स्पीड पकड़ती है, आप जो है तेजी से आगे जाते हैं, तो एक्सेलरेटर उसको हम इसीलिए कहते हैं क्योंकि वो गाड़ी को एक्सेलरेट कर रहा होता है। तो यहाँ पे हमने आयंस को एक्सेलरेट करना है, आयंस के एक्सेलरेटर हम कैसे इस्तेमाल करते हैं वो उसके बारे में हम बात करते हैं। हमने अभी अपने स्पेक्ट्रोमीटर में, मैं आपको दिखाता हूँ, ये दो जिंसी प्लेट्स हैं, ये बेसिकली एक्सेलरेटर का काम करते हैं। एक्सेलरेटर ये करते क्या है, इसके अंदर हम पॉजिटिव
और नेगेटिव चार्ज दे देते हैं, ये बेसिकली हम इनको इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोवाइड करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड। जैसे ही आप उसको इलेक्ट्रिक फील्ड देते हैं, उससे क्या होता है कि आपके जो उनसे इलेक्ट्रॉन्स हैं वो पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन चूंकि नेगेटिव होता है तो वो पॉजिटिव प्लेट की तरफ अट्रैक्ट होगा, लेकिन जो हमारे जिपर्स के एटम्स है वो अब पॉजिटिव आयंस बन गए हुए हैं, तो ये जो पॉजिटिव आयंस हैं ये नेगेटिव प्लेट की तरफ अट्रैक्ट होंगे। वी नो कि पॉजिटिव जो है लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर एंड ऑपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, राइट। अब आपका जो ऐसा वेपर था वो अब एक पॉजिटिव चार्ज है, इस पूरे के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। जैसे ही आप इसको दो प्लेट्स में से गुजारोगे, इनमें से एक पे पॉजिटिव एक पे नेगेटिव है और इन पे बहुत ज्यादा वोल्टेज है, तो ये फौरन जो है पॉजिटिव जो है नेगेटिव की तरफ अट्रैक्ट होगा। जब ये स्पीड से अट्रैक्ट होगा तो इसके अंदर एक्सेलरेशन आएगी, ये बड़ी स्पीड में मूव करेगा। अब अगर हम ऊपर जाके स्पेक्ट्रोमीटर की दोबारा डायग्राम को देखें तो ये हमारे जो है एक्सेलरेटर हैं, ये हमारी इनके अंदर आप ये देखें कि ये स्लिट्स दिए हुए हैं, ये छोटे छोटे आपने रास्ता दिया हुआ सुराख दिए हुए हैं। इससे क्या होता है कि ये उनके साथ जाके अट्रैक्ट नहीं होता, एक्सेलरेट होती है बीम और ये आगे को मूव कर जाते हैं। हमारे आयंस जो उनसे हैं पॉजिटिव आयंस, ये नेगेटिव की तरफ अट्रैक्ट होते हैं और एक्सेलरेट होके आगे को मूव कर जाते हैं। ये इनकी मूवमेंट यहां से होगी इस तरफ, इस स्लिट्स में से ये लोग निकल के आगे चले जाएंगे। जैसे कि फॉर एग्जांपल, इसकी एग्जांपल को आप ऐसे समझे कि मेरे पास एक कील है, ठीक है, सपोज आई हैव अ स्मॉल नेल, राइट, ये एक कील मैंने बनाया है और इसके पास में एक बहुत बड़ा मैग्नेट, उसके साइज से भी कोई 10-12 गुना बड़ा मैग्नेट अगर मैं रख देता हूं तो ये बहुत ज्यादा स्पीड से इसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाएगा, ठीक है, इसके अंदर एक्सेलरेशन आ जाएगी। इसी तरह ये सेम काम हम जो है अपने आयंस को एक्सेलरेट करने के लिए कर रहे हैं, हम अपनी जो उनका वोल्टेज है वो हम 500 से 2000 वोल्ट तक देते हैं। ये बहुत ज्यादा वोल्टेज है, हमारे घरों में जो नॉर्मल वोल्ट आता है वो 220 वोल्ट होता है टू 20 वोल्ट, ये 500 टू 2000 वोल्ट हम उसको देते हैं आयंस को। वो इतनी स्पीड में एक्सेलरेट होते हैं नेगेटिव प्लेट की तरफ, क्योंकि ये खुद पॉजिटिव आयंस हैं और नेगेटिव प्लेट की तरफ अट्रैक्ट होते हैं और स्लिट में से निकल के एक्सेलरेटेड रहते हैं और एक बीम की शक्ल में आगे मूव करते हैं। ओवरऑल जो मास स्पेक्ट्रोमीटर है उसका प्रेशर हम लोग बहुत ज्यादा कम रखते हैं, प्रेशर इज कैप्ट वेरी लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपने याद रखना है। उसका प्रेशर जो है वो हमने बहुत लो होता है, वो मेंटेन करना पड़ता है, अदरवाइज आपके रिजल्ट जो होते हैं रिक्वायर्ड नहीं आते। नाउ अब तक हमने देखा कि अभी तक हमने जो काम किया है वो ये था कि सबसे पहले आपने अपने सैंपल को वेपराइज किया, वेपराइज करने के बाद आपने उनको आयनाइज किया। आयनाइज कैसे किया, इलेक्ट्रॉन की बीम जो है उसके ऊपर फायर करके, उसके बाद आपने इसको एक्सेलरेट किया। एक्सेलरेट कैसे किया कि आपने 500 से 2000 वोल्ट तक का वोल्टेज दिया, इसकी वजह से वो एक्सेलरेट हो गए। अब जो नेक्स्ट स्टेप है वो है इनको सर्कुलर पाथ में मूव करवाना। अब जैसे ही ये आगे जाते हैं, पहले हमने यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड दी थी, इलेक्ट्रिक फील्ड इनको मूव करवाने के लिए हम यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं। मैग्नेटिक फील्ड क्या करेगी कि सीधे आने वाले आयंस को, अगर आपने इधर और इधर मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर दी है तो इनको कर्व पाथ में कन्वर्ट कर देगी, उनका पाथ जो है वो चेंज कर देगी,
ये हमने मैथ्स में भी पढ़ा हुआ है कि जब करंट गुजरता है मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई होती है तो राइट हैंड रूल के मुताबिक वो चीज जो है वो कर्व पार्ट में आती है, वो घूमना शुरू हो जाती है। ये हम क्यों करते हैं, असल जो सेपरेशन है वो यहाँ पे हो रही है। आपके यहाँ पे जो इनसे आयंस आ रहे थे, आयंस इनके अंदर आइसोटोप्स मौजूद थे। तो ये आइसोटोप्स विद डिफरेंट एम ओवर, ये जो एम ओवर ई है ये यहाँ पे अप्लाई होगा, जो जितना लाइटेस्ट पार्टिकल होगा वो उतनी दूर जिनसे है उसका मूव करेगा। सपोज इसके अंदर तीन तरह के आइसोटोप्स आ रहे थे, तो ये जो आगे हम चल के जब ये कर्व पाथ होगा तो ये तीन डिफरेंट जिनसे हैं पाथ्स पे कन्वर्ट हो जाएगा अकॉर्डिंग टू देयर रिस्पेक्टिव एम ओवर ई वैल्यू। ये जो एम ओवर ई वैल्यू सबकी डिफरेंट है, ये इस इनके पाथ को डिफाइन करेगी। जो सबसे हल्का होगा द लाइटेस्ट पार्टिकल वो सबसे ज्यादा डिफ्लेक्ट करेगा, और जो सबसे भारा होगा वो सबसे कम डिफ्लेक्ट करेगा। अब ये डिफ्लेक्ट होके आयंस थ्री डिफरेंट तरीकों पे आके नीचे जाके एक प्लेट पर गिरेंगे, जिसको हम आयन कलेक्टर कहते हैं। ये क्या करता है, ये आयन को कलेक्ट करता है, इसके ऊपर आके ये स्ट्राइक करेंगे। अब हर वो आयन जो आके इस आयन कलेक्टर के साथ आके गिरता है इसके ऊपर, इसको हम डिटेक्टर भी कहते हैं। वो क्या करता है, वो आयन को डिटेक्ट करता है। हर आयन जो आके इसके ऊपर गिरेगा वो एक अपना माइन्यूट सा बहुत थोड़ा सा इलेक्ट्रिक करंट जो है इलेक्ट्रिकल करंट पैदा करेगा। ये जो इलेक्ट्रिकल करंट है ये बहुत छोटा होता है, क्योंकि एक आयन आ रहा है, एक एटम के हिस्से का, एक एटम के साइज की चीज आ रही है, माइन्यूट इलेक्ट्रिक करंट होता है। लेकिन ये डिफरेंट क्योंकि ग्रुप्स में आके गिरे होते हैं तो ये माइन्यूट से थोड़ा सा बढ़ जाता है। और फिर हमने अपनी मशीन में अपने मैस स्पेक्ट्रोमीटर में एम्पलीफायर लगाए होते हैं, जो कि क्या करते हैं इस करंट को एम्पलीफाई कर देते हैं, बड़ा कर देते हैं ताकि रिकॉर्ड करने में आसानी हो। इसी तरह तीन डिफरेंट आइसोटोप जो होते हैं वो तीन डिफरेंट जगहों पर आके गिरते हैं, और उनका रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रिक करंट जो है वो हमारा मैस स्पेक्ट्रोमीटर रिकॉर्ड कर लेता है। अब सवाल ये पैदा होता है कि सारा काम हो गया, आपने वेपराइज किया अपना सैंपल को, आपने आयनाइज कर दिया हाई बीम ऑफ हाई स्पीड एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स की बीम डाल के, आपने उन्हें इलेक्ट्रिक फील्ड दी 500 से 2000 वोल्ट दे के एक्सेलरेट किया, स्लिट्स में से गुजरे एक्सेलरेट करके मैग्नेटिक फील्ड लगा दी और उन्हें सर्कुलर पाथ दे दिया, और डिफरेंट ग्रुप्स में जाके आपके आयन कलेक्टर के ऊपर गिरे हैं जिसने डिटेक्ट किया है और उनको डिफरेंट हिस्सों में करंट को सेपरेट कर दिया है माइन्यूट इलेक्ट्रिक करंट पैदा करके। अब जो इम्पोर्टेंट चीज आगे आ गई है वो ये है कि हमें रिजल्ट किस शक्ल में मिलता है, हमें कैसे पता लगता है कि कौन सी चीज कितनी अबंडेंस में है और कौन सी चीज का मैस क्या है। तो हमें जो मैस स्पेक्ट्रोमीटर है वो रिजल्ट देता है मैस स्पेक्ट्रम की शक्ल में। स्पेक्ट्रम अब क्या है, दिस इज द ग्राफ जो कि मैस स्पेक्ट्रोमीटर के रिजल्ट में के तौर पे हमें मिलता है। अब ग्राफ को हम आपने पता है कि किसी भी ग्राफ के ये दो चीजें होती हैं, एक उसका वाई एक्सिस होता है और एक उसका एक्स एक्सिस होता है। अब एक्स एक्सिस पे हमें पता है कि हमेशा जो सी है इंडिपेंडेंट प्रॉपर्टी आती है, हम एम ओवर ई जो है वो यहाँ पे लेते हैं और नंबर ऑफ आयंस जो है वो हम वाई एक्सिस पे ले लेते हैं। इस ग्राफ को जब हमारा वो मैस स्पेक्ट्रोमीटर ड्रॉ करता है तो हमारे पास डिफरेंट पीक्स आती हैं। इस ये जो सी पीक्स हैं ये हमें बताती हैं कि इसके नंबर ऑफ आयंस जो होते हैं वो कितने हैं, और एम ओवर ई से हमारे पास उसका एग्जैक्ट मैस निकल आता है। तो हमारे पास डिफरेंट आइसोटोप्स का मैस और नंबर ऑफ आयंस से हमें उसकी रिलेटिव अबंडेंस पता लग जाती है कि हमने टोटल आयंस जो होते हैं वो 1000 फॉर एग्जाम्पल बम्बार्ड किए थे, जिसमें से H11 के निकल आए से 900 निकल आए जो कि 90% बनते हैं, H12 के जो होते हैं वो 25 थे और H13 के 75। मैं जस्ट एग्जांपल ले रहा हूँ, टोटल इनका 100,000 ही बन गया। तो ये हमें कहाँ से इंफॉर्मेशन थ्योरी मिलती है कि किसके कितने थे, ये इन ग्राफ्स की मदद से मिलती है जिसको हम मैस स्पेक्ट्रम कहते हैं। ये सारा प्रोसीजर जो है हमारे मैस स्पेक्ट्रोमीटर में हो रहा होता है और हमें उसके एंड पे
ये एम ओवर ई की बेसिस पे सेपरेट हुए हुए आइसोटोप्स मिल जाते हैं। तो ये टेक्निक एनालिटिकल टेक्निक है जो कि हम इस्तेमाल करते हैं उसको इस्तेमाल करने के लिए। अब आपकी बुक में उसने दो स्पेक्ट्रोमीटर की टाइप्स बताई हैं, वन इज एस्टन्स मास स्पेक्ट्रोमीटर। ये स्पेक्ट्रोमीटर जो है ये उनको सेपरेट करता है ऑन द बेसिस ऑफ देयर एटॉमिक मैसेस। ये आपने याद रखना है, नहीं तो डायरेक्टली में पूछ लेता है कि एस्टन्स मास स्पेक्ट्रोमीटर क्या है। तो ये जो सेपरेशन टेक्निक है इसकी वो बेस कर रही होती है एटॉमिक मैसेज के ऊपर। और एक और स्पेक्ट्रोमीटर उसने आपके बुक में मेंशन किया हुआ है, वो है डेम्पस्टर्स स्पेक्ट्रोमीटर। इसकी क्या क्वालिटी है? डेम्पस्टर मास स्पेक्ट्रोमीटर हम उस वक्त यूज करते हैं जिनसे एटम्स या जिस सैंपल को हम यूज कर रहे हैं वो सॉलिड है, मतलब किसी भी चीज किसी भी सॉलिड एलिमेंट का आप जब भी मास स्पेक्ट्रोमीटर उसके आइसोटोप्स के बारे में जानने के लिए स्पेक्ट्रोमीटर करेंगे तो आप डेम्पस्टर स्पेक्ट्रोमीटर इस्तेमाल करेंगे। अब इसको मजीद समझने के लिए कि एम ओवर ई हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, आपके बुक में एक रिलेशन भी दिया हुआ, सिर्फ रिलेशन ही दिया है उसके बारे में मजीद उन्होंने कुछ डिटेल वगैरह नहीं दी हुई, तो हम भी कि कहां से आया क्यों आया वो हम जानने की हमें फिलहाल जरूरत भी नहीं है क्योंकि ये हमारी बुक में एज सच इसको मेंशन नहीं है, तो हमें आउट ऑफ दी कॉन्टेक्स्ट नहीं आना चाहिए। अब मास क्या है इसमें? मास ऑफ द पार्टिकल है, ई इज द चार्ज है, एच एच इज द मैग्नेटिक फील्ड जो कि हमने उसके ऊपर अप्लाई की हुई है, उसकी क्वांटिटी है कि उसकी इंटेंसिटी क्या है। आर इज द रेडियस, इसकी हम बात करते हैं, और ई इज द इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड आपने अप्लाई की थी उनको एक्सेलरेट करने के लिए, वो कितने वोल्ट्स की है? ये ई की वैल्यू वो है। एच आपने मैग्नेटिक फील्ड लगाई थी उनको सर्कुलर पाथ देने के लिए, वो कितने वेबर्स की है? वो इस फॉर्मूले में एच ये है। और आर इज द रेडियस ऑफ दैट सर्कुलर पाथ, ये जो सर्कुलर पाथ में आपके आने वाली बीम जा रही थी, ये जो सिंगल बीम आ रही थी मैग्नेटिक फील्ड से गुजरने के बाद कर्व की शक्ल में आ गई, तो उनका रेडियस जो है वो ये आर है। तो रेडियस डिफरेंट होगा, ई और एच तो सेम रहेंगे, और एम ओवर ई उसके नतीजे में आंसर डिफरेंट आता जाएगा। तो ये था हमारा मास स्पेक्ट्रोमीटर। अब हम इसको फर्दर समझते हैं, इसको समराइज करते हैं। लेट मी शो यू। ओके, ये एक तस्वीर है जो कि मास स्पेक्ट्रोमीटर की वर्किंग प्रिंसिपल को एलैबोरेट कर रही है, जो हमने सारी अभी पढ़ के आए हैं। हम यहाँ पे देखेंगे गैस का सैंपल एंटर है, गैस मतलब वो पेपर्स की शक्ल में होगा, ये बात हमने की है। इसको हमने एंटर किया, ये फिलामेंट है जो क्या कर रही है, आयनाइज कर रही है गैस को। इसके अंदर बीम होगी, इलेक्ट्रॉन्स की बीम इससे टकराएगी और इनको आयनाइज बनाएगी। यहाँ पे देखेंगे आपको न्यूट्रल चार्जेस नजर आ रहे हैं, जब ये आगे निकले हैं तो ये प्लस इनके ऊपर आपको नजर आ रहा होगा, ये अब आयंस बन चुके हैं। अब कुछ छोटे हैं कुछ बड़े हैं, क्यों? क्योंकि इसके अंदर आइसोटोप्स मौजूद हैं, तो जाहिर सी बात है कुछ का मास ज्यादा होगा कुछ का कम होगा, तो ये छोटे बड़े डिफरेंट साइजेस से वो शो कर रहा है। फिर ये आगे आगे स्लिट, ये है जी आयंस एक्सेलरेट टुवर्ड्स चार्ज स्लिट्स। जैसे ही आप इलेक्ट्रिक फील्ड को अप्लाई करते हैं ये एक्सेलरेट होते हैं नेगेटिव की तरफ, फौरन तेजी से बढ़ेंगे, एक्सेलरेट हो जाएंगे, इसमें से निकलेंगे आगे आपने ये मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करती है। मैग्नेटिक फील्ड डिफ्लेक्ट्स लाइटेस्ट आयंस मोस्ट, मैंने बात आगे भी आपको बताई, जितना लाइट होगा वो उतना ज्यादा डिफ्लेक्ट होगा। अगर आप देखें यहाँ पे तो ये रेड वाले पार्टिकल जो उनसे हैं दे आर हैवियर, तो इनके अंदर डिफ्लेक्शन इतनी ज्यादा नहीं है, ये यहाँ पे आके स्ट्राइक करें, जबकि ये जो उनसे आपके येलो पार्टिकल हैं ये छोटे हैं, लाइट होने की वजह से हल्के होने की वजह से इनकी डिफ्लेक्शन ज्यादा है, ये नीचे इधर आके स्ट्राइक कर रहे हैं प्लेट के ऊपर। तो इस तरीके से जो जितना हल्का होगा वो उतना ज्यादा डिफ्लेक्शन शो करेगा। तो ये आयंस जो होते हैं इस तरीके से सेपरेट होते हैं, ये डिटेक्टर है इसके ऊपर आके गिरेंगे, करंट की शक्ल में फॉर्म आगे जाएगी और आपके पास ग्राफ की शक्ल में रिजल्ट निकल आएगा। तो ये एक समरी थी जिसको ये शो कर रही है कि मास स्पेक्ट्रोमीटर कैसे काम करता है। ओके, ये एक और तस्वीर है जो कि उसी तरह मास स्पेक्ट्रोमीटर को बता रही है, वही हम देख लेते हैं।
ये देखिए आप इसके अंदर कि ये सैंपल है जो ये आपने ऐड किया, जो ये ब्लू कलर का नजर आ रहा है, ये इलेक्ट्रॉन की बीम है। ये जो ब्लैक लाइंस आपको नजर आ रही हैं, यहाँ से क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन्स जो हैं निकल रहे हैं यहाँ से सैंपल। ये इलेक्ट्रॉन्स की बीम जब इससे टकराएगी तो ये पॉजिटिव आयन इनको बना देगी, ये पॉजिटिव आयन बन गए। आगे ये फील्ड्स दो आपको नजर आ रही है, ये क्या है, आयन एक्सेलरेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड। ये दोनों प्लेट जो होती है इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करती है, ये एकदम से बहुत ज्यादा स्पीड के साथ आगे जाते हैं। ये एक्सेलरेटेड आयन की जो सी बीम है जैसे आगे जाती है उसको मैग्नेटिक फील्ड दे देते हैं हम। ये सारी स्टोरी हमने पढ़ी है। मैग्नेटिक फील्ड उसको क्या करती है, उसको सेपरेट कर देती है। ये देखें आप 5, 1, 2, 3, 4, 5 इसके 5 आइसोटोप्स होंगे कोई भी ये जो ब्लू एलिमेंट उन्होंने लिया हुआ है। अब मैग्नेटिक फील्ड उनको डिफरेंट उनकी एम और ई की वैल्यूज के ऊपर सेपरेट कर देगी और उनको सर्कुलर पाथ में मूव करवाएगी। जो जितना हमने भी बात की, जो जितना लाइट होता है वो उतना ज्यादा डिफ्लेक्ट होता है। तो ये आपको डायग्राम में भी नजर आ रहा है, ये सबसे ऊपर वाली लाइन सबसे हल्की है, ये लाइटर एयर पार्टिकल्स को शो कर रही है, इसकी रिफ्लेक्शन सबसे ज्यादा है, ये इधर जाके डिटेक्टर के ऊपर स्ट्राइक करेगी। इसी तरह ये सारे के सारे डिफरेंट जगहों पर जाके उसको स्ट्राइक करेंगे। ये देखेंगे ये द लीस्ट मैसिव आयंस हैं जो सबसे हल्के हैं, सबसे इधर वाली आयन मोस्ट मैसिव आयंस हैं, इनका मैस सबसे ज्यादा है, इनका मैस सबसे कम है। और ये इसी तरीके से जाके इस डिटेक्टर प्लेट के ऊपर गिरेंगे, डिटेक्टर प्लेट करंट को एम्पलीफाई करके आगे ग्राफ की तरफ भेज देगा और ग्राफ आपको कर्व्स की शक्ल में रिजल्ट दे देगा, जिससे आपको पता लगेगा कि कौन सा एलिमेंट के आइसोटोप्स कितने हैं और कौन सा आइसोटोप कितनी ज्यादा क्वांटिटी में इस सैंपल के अंदर मौजूद था, उसकी अबंडेंस कितनी थी। ये एक और तस्वीर है, उसी तरह ये कार्बन डाइऑक्साइड के जो है मैस स्पेक्ट्रोमेट्री वो कर रहे हैं, यहाँ से आयन बीम आई सोर्स से। ये सारे वो उसमें जो हम सारी स्टोरी पढ़ गए हैं, यहाँ पे ये एक्सेलरेट भी हो रहा है और आयनाइज भी हो रहा है। तो ये सोर्स में से आयन की बीम निकली एक्सेलरेटेड आगे आई, ये मैग्नेट लगा हुआ है ये पूरा ग्रे कलर का है। ये मैग्नेट इसको क्या करेगा, उसको कर्व्स पाथ में सेपरेट कर देगा, ठीक है जी। ये सबसे लाइटेस्ट होगा, सबसे ज्यादा डिफ्लेक्ट होगा, ये आ गया 44, दरमियान वाला जो है ये आया 45, एंड सबसे बड़े वाला जो है सबसे दूर वाला वो क्या है 46, वो सबसे भारी है। लाइटर एटम और लाइटर मॉलिक्यूल मैक्सिमम डिफ्लेक्शन 44, हैवियर एटम और मॉलिक्यूल 46। तो दीज आर द कार्बन CO2 के जो हैं डिफरेंट मॉलिक्यूलर मैसेज जो हैं वो हो सकते हैं। तो ये मैस स्पेक्ट्रोमीटर की स्कीमेटिक डायग्राम थी। दो तीन डायग्रामों की मदद से हमने समझा कि जो आपका मैस स्पेक्ट्रोमीटर है वो इस तरीके से काम करता है, आपको जो है कर्व उनकी मिल जाती है। अगर आप अपनी बुक में भी देखें तो इस टॉपिक के बाद उन्होंने आपको टॉपिक के आगे आपको एक रिजल्ट दिखाया हुआ है कि ये अगर आपका एक्स एक्सिस है जिसके ऊपर आप मैस नंबर ले सकते हैं या एम ओवर ई भी ले सकते हैं, और ये आपको रिलेटिव अबंडेंस दिखाती है वाई एक्सिस पे, राइट। तो आपको जो है डिफरेंट मैस के ऊपर अगर आपको डिफरेंट जो है पीक्स मिलेंगी और यहाँ से आप उसकी अबंडेंस देख लेंगे कि वो कितने परसेंट है, कितने परसेंट अबंडेंट है, उससे आपको पता लग जाएगा। यहाँ पे इसका मैस नंबर आ जाएगा एक्स एक्सिस पे और यहाँ से आप उसको देख सकेंगे कि ये इसकी अबंडेंस कितनी है, नेचुरली मौजूद जो है वो कितनी अबंडेंस है, वो कितनी क्वांटिटी में जो है वो मौजूद है। अब बहुत दफा हमारी रिक्वायरमेंट होती है कि हमें उन्हें सेपरेट करना है। सपोज मैं कहता हूँ जी मेरे पास एक टैंक है, टैंक के अंदर हाइड्रोजन गैस है। अब हाइड्रोजन गैस है तो लाजमी की बात है कि इसके अंदर इसके तीन आइसोटोप्स मौजूद होंगे। अब मैं चाहता हूँ कि जो मेरे पास गैस है मैं इसमें से सिर्फ इसको सेपरेट कर लूँ, ये दो मेरी रिक्वायरमेंट नहीं है। तो सेपरेशन ऑफ आइसोटोप्स जो है वो भी हम करते हैं। आपके बुक में कुछ मेथड्स उन्होंने नाम लिए हैं, उनके बारे में डिटेल नहीं दी हुई, तो ये आपको पता होना चाहिए। ऑब्जेक्टिव टाइप में पूछ लेता है कि हाउ वी कैन सेपरेट द आइसोटोप्स ऑफ अ सेम एलिमेंट अगर वो इकट्ठे हैं। तो उसके अंदर सबसे पहले जो टॉपिक वो मेथड है वो है गैसियस डिफ्यूजन।
डिफ्यूजन का मेथड है, मॉलिक्यूल जिनसे हैं अपना कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अक्रॉस मूव कर जाते हैं। फिर आ गया थर्मल डिफ्यूजन, थर्मल डिफ्यूजन, थर्मल जब भी किसी चीज के साथ आएगा आपको जहन में ये बात आनी चाहिए कि इट इज समहाउ रिलेटेड टू हीट और टेम्परेचर। तो आप टेम्परेचर किसी चीज को देके उसको थर्मली डिफ्यूज करके सेपरेट कर लेते हैं। फिर दूसरी तीसरी चीज आती है डिस्टिलेशन। डिस्टिलेशन भी एक टेक्निक है जिसमें आप बॉइलिंग पॉइंट के डिफरेंस से किसी चीज को सेपरेट कर लेते हैं। उसके बाद जो चीज है वो है अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूज। इसके बारे में मैं थोड़ा सा बता दूं, आपने अपनी मतलब कभी हॉस्पिटल्स में लैब्स वगैरह में देखा होगा कि वो टेस्ट ट्यूब के अंदर सैंपल लेते हैं और फिर उसको एक मशीन के अंदर रख देते हैं। मशीन के अंदर दो चार टेस्ट ट्यूब इस तरह आ जाती हैं एंड देन इट रिवॉल्व्स एट वेरी हाई स्पीड। ये जो मशीन है बहुत ज्यादा स्पीड के ऊपर मूव करती है। इसके नतीजे में क्या होता है, इसके अंदर जो सोल्यूशन होता है उसकी डिफरेंट लेयर बन जाती है और डिफरेंट, अगर ये टेस्ट ट्यूब थी तो इसके अंदर मटेरियल जो है वो डिफरेंट लेयर्स में आ जाएगा, डेंसिटी के क्रॉस जो है वो चीज सेपरेट हो जाती है। तो ये अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूज भी एक टेक्निक जो है हम इस्तेमाल करते हैं और एंड पे बात कर रहे हैं लेजर सेपरेशन की, ये भी एक टेक्निक है जिससे हम अपने आइसोटोप्स को सेपरेट करते हैं। तो ये हमारा जनरल टॉपिक था आज का मैस स्पेक्ट्रोमेट्री, जो जिसमें हमने देखा इसको मैं अब समराइज करूंगा दोबारा से। वेपराइजेशन, वेपराइज करके आपने उसको आयनाइज करना है। आयनाइज आपको पता है इलेक्ट्रॉन की बीम देंगे, आयनाइज हो जाएगा, फिर उसको आप एक्सेलरेट करें। एक्सेलरेट के लिए आपको इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करनी पड़ेगी, फिर आप उसको सर्कुलेट करने के लिए मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं। मैग्नेटिक फील्ड क्या करती है, मैग्नेटिक फील्ड उसको सर्कुलर पाथ में मूव करेगी। ये सर्कुलर पाथ में मूव करेगी, एम ओवर ई की बेसिस पे सेपरेट हो जाएंगे और डिटेक्टर के ऊपर या कलेक्टर के ऊपर ये चीज जाके गिरेगी और आपके पास जो है एक कर्व की शक्ल में आपके पास एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे रिजल्ट आ जाता है, जिसको हम मैस स्पेक्ट्रम कहते हैं। तो ये ओवरऑल समरी थी जिसको हमने आज डिटेल में डिस्कस किया और ये इंपॉर्टेंट है, इसमें से काफी सारे क्वेश्चन बनते हैं। तो ये आपका आज का लेक्चर था।